हम पाकिस्तानियों से आज जानते हैं कि इस बार इनका मेन्यू चेंज करें या बिरयानी के ऊपर इन्होंने वोट देना है। इस बार वोट बिरयानी खा के देना है या खीर खा के या चीनी की बोरी लेके? बिरयानी खा के ही वोट दे देंगे, जिन्होंने खाई है उनको अभी भी याद है। मुझे ये बताएं, इस बार आपका मेन्यू चेंज करवाएं या इस बार भी बिरयानी खा के वोट देना है? बिरयानी खाने लानत भेज दें। या पुलाव बना दिया, कस्टर्ड बना लिया, वो खा लेंगे? वो तो वैसे वो खुशी से देते हैं ना। खुशी से ना खाएं, ऑर्डर लगा देना, खीर खानी है। मीठे में क्या खाना है? कस्टर्ड खाना। मीठे में चाय पियेंगे खाली। 1-2-5 चीनी की बोरी, 2 डब्बे बिरयानी के। बिरयानी कौन सी खाएंगे? पीटीआई की ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, मैंने खबर सुनी है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है। मेरे मीठे मीठे पाकिस्तानी भाई वोट डालने को बेचैन हैं, बेसब्र दिखाई देते हैं। तमाम सियासी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, जलसे शुरू होने वाले हैं। हम पाकिस्तानियों से आज जानते हैं कि इस बार इनका मेन्यू चेंज करें या बिरयानी के ऊपर इन्होंने वोट देना है। इनकी सिगरेट की डब्बी चेंज करें या इन्होंने डब्बी के ऊपर वोट देना है। इनकी चीनी की बोरी चेंज करें या इस बार फिर चीनी लेनी है। इस बार 70 लेनी है या 1-2-5 लेना है या गाड़ी लेनी है, 5,000 का नोट लेना है या 1,00,000 रुपया लेना है। अपने जमीर को कितने में आपने बेचना है, कितने में आपने वोट डालना है, मीठे मीठे पाकिस्तानी भाइयों से जानते हैं। आइए मेरे साथ, मैं जा रहा हूँ पूछने। इस बार वोट बिरयानी खा के देना है या खीर खा के या चीनी की बोरी लेके? इस दफा बिरयानी खा के ही वोट दे देंगे। खा दे देंगे, बिरयानी में मजा है ना, लोग मान ही नहीं रहे, कहते हम पल्ले से खा लेंगे। इनको बताएं, जलसे वाली मजेदार होती है? हाँ जी बिल्कुल जी, जलसे वाली बहुत मजेदार होती है। जिन्होंने खाई है उनको अभी भी याद है कि हुकूमत ने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, बिरयानी कौन सी खाएंगे? पीटीआई की ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। बिरयानी खानी है, पीटीआई की खानी है? पीटीआई खा लेंगे, बस ज्यादा बेहतर है। अगर मेन्यू चेंज करवाना है तो टीवी चैनल आपके सामने बता दें, खीर पुलाओ कोई ऐसी चीजें, चीनी की बोरी चाहिए, 1-2-5 चाहिए, बता दें। oh, no! ऐसा कुछ नहीं चाहिए। इलेक्शन आ रहे हैं, जमीर का सौदा करेंगे लोग? जो करेंगे वो फिर बाद में रोएंगे भी, और उससे बेटर है इंसान को कि वो किसी अच्छी हुकूमत को ही वोट दे, वो ज्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? नासिर खान। नासिर खान साहब, इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुझे ये बताएं, इस बार आपका मेन्यू चेंज करवाएं या इस बार भी बिरयानी खा के वोट देना है? बिरयानी खाने उन्होंने लानत भेज दी। पीछे लोग कह रहे थे बिरयानी बड़ी मजेदार है। नहीं, ऐसी नहीं बिरयानी खाते। चीनी की बोरी ले दूं? ना। आटे की? oh, नहीं। no. सिगरेट की डिब्बी महंगी हो? 1-2-5 भी मिल रहे हैं, 5,000 रुपया भी मिल रहा है। अभी 1-2-5 तो लानत भेजने हैं, सिर्फ इमरान खान। अच्छा, बाकी और कुछ भी? वो तो आप वोट दें जिसको देना है, बिरयानी तो खाएं। नहीं, हराम की बिरयानी हम नहीं खाते। दो नंबरी नहीं करनी है आप? नहीं। आपने क्या खाना है इनको छोड़े? हमने बस इज्जत की रोटी खानी है। बिरयानी तो खाएं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं खाना इनसे। सिगरेट की डिब्बी ले देते हैं, बड़ी महंगी हो गई। हम सिगरेट पीता ही नहीं है। चीनी की बोरी ले देते हैं, वो तो जरूरत है। नहीं नहीं, वो हम मेहनत कर रहे हैं, वो इससे लेंगे। एक 1-2-5 अच्छे वाला? नहीं, हमें कार भी ले देंगे, हम नहीं लेंगे। हम कोठी भी लेके देंगे, हम ऐसा काम ही नहीं करते। समझदारी तो नहीं है वैसे? समझदारी क्यों नहीं है? आप उनसे 1-2-5 ले, वोट अपनी मर्जी से दे दें, जिसको आपके साथ किसने तो किसने देखा। तो ये वो तो कमेंटमेंट तो होगी ना, जो मुसलमान है वो कमेंटमेंट जो हो जाती है ना उस पे पूरा उतरना चाहिए। पीटीआई को देना वोट? अगर पीटीआई की तरफ से बिरयानी मिल रही हो फिर खा लेंगे। नहीं नहीं, वो देते ही नहीं है, हमें पता है यार, बनती है वो तो वैसे ही। बिरयानी किसी और की मशहूर है, किसी और पार्टी की मशहूर है, ये आपका मानना है? मुझे ये बताएं कि पीटीआई ने अगर खीर बना दी या पुलाव बना दिया, कस्टर्ड बना लिया, वो खा लेंगे? वो तो वैसे वो खुशी से देते हैं ना, वो हम इधर आप खुशी से ना खाएं। की तरफ से नहीं देते वो, वोटों की तरफ से नहीं देते। ये जो दूसरे हैं वो 1-2-5 भी वोटों की तरफ से देते हैं, बिरयानी भी वोटों की तरफ से देते। सर इधर आए, ये देखें खुला तजाद हो गया, उनकी बिरयानी नहीं खा रहे, पीटीआई की खीर खा लेंगे खुशी से। पीटीआई जहर भी देगी, हम खा लेंगे। वोट कौन डालेगा, मर जाएंगे आप? कोई बात नहीं, एक सच्चे मुसलमान वास्ते तो मरेंगे ना। नहीं सर, मुझे ये बताएं, आपने उनका कस्टर्ड भी खा लिया, खीर भी खा ली है, एक बेचारे बिरयानी दे रहे, उनकी तो खाएं। वो वोटों की तरफ से नहीं ना देते, ये सिर्फ वोटों की तरफ से देते हैं, वो मोहब्बत से देते हैं। इन्होंने कहा कि बिरयानी खा के वोट दो, इन्होंने पीटीआई ने कहा खीर खा के वोट दो, तो फिर खा लेंगे? नहीं देंगे। यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ जी, कहने में फर्क है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोमिन अली। मोमिन अली जी। सर बड़ी मूछों को ताव दे के कहाँ जा रहे हैं, लड़ाई तो नहीं करने जा रहे किसी? नहीं नहीं सर, वैसे जरा बाहर निकले हैं, घूमने फिरने निकले हैं। अच्छा, इलेक्शन आ रहे हैं, मुझे ये बताएं इस बार आपके लिए क्या इहतमाम करवाएं खाबे? आपको तमाम सियासी पार्टीज देख रही हैं,
जो आपने इलेक्शन वोट दे के क्या चीज खानी है, बिरयानी खानी है, चीनी की बोरी लेनी है, 125 लेना है, सिगरेट की डिब्बी लेनी है, क्या लेना है वो आप बताएं, आपको मिल जाएगा, वोट दें जिसको मर्जी। हमें वोट देंगे जिसका खलूस अच्छा होगा, मोहब्बत होगी, प्यार होगा, वो तो सबका ही अच्छा होता है इलेक्शन के दिनों में। मुझे ये बताएं, बिरयानी खा के वोट देने हैं, खीर खानी है, क्या करना? खाना तो कुछ नहीं है, बस ये है कि हमारी कौम के लिए अच्छा बंदा होना चाहिए जिसको वोट देंगे। अच्छा जी, नहीं आपके लिए पान लगवा दें, 5 साल के एक साथ इकट्ठे वोट दे दें, फिर जिसको पान आपको बताएं। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। क्या नाम है जी? मौला दाद खान। मौला दाद खान जी, मौला साहब इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। हमें तो पता ही नहीं इलेक्शन का, पता चल जाएगा ना, वोट डालते हैं या नहीं? डालते हैं वोट। तो इस बार क्या लेके वोट डालेंगे? बिरयानी खा के, चीनी लेके, बाइक लेके, पैसे लेके? जो हाल मुल्क का बना हुआ है, कुछ खाने को दिल ही नहीं कर रहा। पीछे बिरयानी है बड़ी मजे की, बिरयानी सुबह से बैठा हूँ, मुझे एक चावल की प्लेट भी नसीब नहीं हुई, ना मैं खा रहा हूँ ना दिल कर रहा है। इलेक्शन पे बिरयानी खा के वोट देंगे? वोट तो देंगे यार, वोट मुल्क का हक है, वो देंगे, जरूर देंगे। ये मेन्यू चेंज करवाएं या बिरयानी खानी है इस बार, या चीनी लेनी है, या पैसे लेने हैं, या बाइक लेनी है? ओह नो, जमीर को कैसे बेचना है? पिछली बार भी हमने जमीर से बेचा नहीं है, वोट हक के लिए डाला है, इस बार भी हक के लिए डालेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे मतलब जमीर में है कि ये हमारे लिए अच्छा है, उसे हम वोट जरूर। जो खाने पसंद आ गया वोट नहीं, इंशाल्लाह जरूर। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या खा के वोट डालना है? बिरयानी लेनी है, या चीनी खानी है, या सिगरेट पीनी है, या 125 लेके वोट डाल? मैं पूछने यही आया हूँ कि हर बार जो कौम है सुनने में आया बिक जाती है, जमीर बेचते हैं लोग, बिरयानी की प्लेट पे वोट देते हैं, आपके लिए क्या मेन्यू इस बार जो चेंज करवाएं? मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक मुझे इतना दे के मैं पूरी पाकिस्तान को खिलाऊं। अच्छा। और अपने हक हलाल का खिलाऊं, जमीर की आवाज़ नहीं। हाँ। जो ये बिक जाते हैं ना एक मिनट बाद। हाँ। हम वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम खान पे जान के गोली खा के वोट देना। आपने क्या खा के वोट देना? बिरयानी खानी है, क्या खाना है? खीर बनवाऊँ आपके लिए इस इलेक्शन पे? आपने कुछ नहीं खाना? नहीं, हम क्या खाएंगे, गरीब आवाम कुछ नहीं कर रहे। हम मेरी बात सुने, 5 साल आवाम भूखी मरती है, इलेक्शन के दिनों में तो मौज लगती है आवाम की, कहीं शरबत चल रहा होता है, कहीं बिरयानी चल रही होती है, कहीं खीर चल रही होती है, तो मैं वो मेन्यू पूछने आया हूँ इस बार, क्या चाहिए? 127 मकरूज, जो हमारे ममालिक है ना, 127 अरब का मकरूज है, 14 लाख की गाड़ी में या 2 करोड़ की गाड़ी में DC और AC आता है, इस गरीब को, बिरयानी वाले को, इस पे ये टमाटर बेचते, इसको चलान देते हैं ना, तो इस मुल्क का क्या करना है? मैंने लोग भूख से मर रहे हैं, हमारी GDP की तो मैं कह रहा हूँ भूख से मर रहे हैं, 4 दिन बिरयानी खा लो, वोट दो किसको, जिसको दिल करता है, जिसको दिल करता है, दो बिरयानी तो खाओ। ओ भाई नहीं, जब तक बिरयानी किन की मशहूर है? बिरयानी किसी की भी नहीं, किन की मशहूर है बिरयानी? मैंने बिरयानी का क्या करना, अचार डालना है, बिरयानी का अचार नहीं डलता, बिरयानी पेट में डलता है। नहीं, हराम की कमाई नहीं, अल्लाह माफ़ करे, बिरयानी क्यों खाए हम? अच्छा, फ्री में दे देना वोट। नहीं, वोट किस लिए? वोट तो एक नजरिया है ना, नजरे के बेहतर देना है। अंकल जी क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है सर। इलेक्शन होने जा रहा है, कैसे वोट डालेंगे? बिरयानी खा के, सिगरेट पी के, क्या चीज़ लेंगे उनसे, क्योंकि इन दिनों में मौज लगी होती है, जिससे जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। नहीं सर, मैं तो वोट दे बिरयानी के लिए या सिगरेट के लिए या 125 के लिए तो होता नहीं, वोट तो तब्दीली के लिए होता है और मुल्क की फलाह के लिए होता है, और हम तो कोशिश यही करते हैं कि जो बंदा हमारे इलाके में काम कर रहा होता है हम उसी को वोट डालते हैं। हाँ जी, वही तो कह रहा हूँ, मामला 4-5 दिन ठीक होते हैं सर, बिरयानी खाएंगे इस बार, खीर खानी है, क्या खाना? या कनाब दवाइया कनास्ता ही, PTI कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। PTI ये PTI वाले हैं भाई, तो मुझे पता चल गया PTI वाले हैं, मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं खाना, वैसे वोट दे देना हुजूर में इंशाल्लाह तआला। नाज़रीन कोई और लोग ढूंढते हैं, इनका पेट फुल है, ये भाई से पूछते हैं, भाई बाइक पे बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र आपने। भाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बार मेन्यू आपका चेंज करवाएं, बिरयानी खा के वोट देना है, या खीर बनवाऊं, या पुलाव बनवाऊं, क्या बनवाना है? ओह नो, मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये काबिल ही नहीं है वोट के लिए। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? अकरम जी। अकरम भाई, इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बार वोट बिरयानी खा के देना है, खीर खानी है, 125 चाहिए, चीनी की बोरी चाहिए, सिगरेट की डिब्बी चाहिए, क्या मेन्यू आपका डिसाइड करवाएं, फिर आपकी आवाज पहुंचाते हैं? अभी कभी वोट ही नहीं पाया, इस बार डाले ना, बिरयानी बड़ी मजे की होती है, डालिए, सारे चोर ने। अच्छा, हाँ जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी नहीं पसंद, खाना तो खाएं अच्छे वाला। ओ भाई, अभी पल्ले भी खा लेने, सू एडी जरूरत नहीं, कमा के खा लीदा, बिरयानी में ज्यादा मजा होता है। आप बताएं, क्या मेन्यू डिसाइड करवाया इस बार इलेक्शन में आपका? यार हमें कुछ नहीं चाहिए, मियां साहब चाहिए हमें। अच्छा,
हाँ जी बिरयानी खाएंगे फिर। बिरयानी की कोई जरूरत नहीं है, मियां साहब की जरूरत है। तो मैं कह रहा हूँ बिरयानी खाकर वोट देंगे ना फिर। नहीं बिरयानी नहीं है, जो सही बंदा है वो उसके साथ हम साथ हैं। इलेक्शन के दिनों में आम बिरयानी चलती रहती है, कैंप लगे होते हैं, शरबत भी चलता है। हम नहीं खाते, हम सिर्फ वोट देते हैं। मियां साहब का पक्का वोट है हमारा, उनके बारे में मशहूर है जो फॉलोवर है बिरयानी खाते हैं। नहीं नहीं हम नहीं खाते बिरयानी भाई। आप पे इल्जाम है आप खाते हैं भाई? नहीं खाते यार। बिरयानी का वो टेस्ट कैसा होता है जो हर साल बनता है सर? हर जलसे के पहले सर हम कभी की जिंदगी में खाई नहीं है। आप खा के आए हैं 5 मिनट पहले, इधर करो जरा चेहरा। आप बता रहे हैं अभी खा के आए हैं, ये अभी बिरयानी खा के नहीं आए? अभी खा के आए भाई। ये कह रहे हैं मैं नहीं खाई कभी। नहीं खाई, अभी खाई है। ये झूठ बोली जा रहा, जैसे मर्जी कह। ऊपर से चाय पी रहे हैं। उस दिन भी इलेक्शन के दिन वोट डालने से पहले बिरयानी की प्लेट खा के चाय पी के डकार मार के अंगूठा लगाइएगा भाई। हम सच्चे सपोर्टर हैं मियां साहब के। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप सच्चे सपोर्टर हैं तो फिर बिरयानी से इनकार क्यों कर रहे हैं? नहीं हम बिरयानी कभी नहीं खाएंगे भाई। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का भाई जान। भाई जान इलेक्शन आ रहे हैं, इस बार वोट बिरयानी खा के देना है, खीर खानी है, पुलाव खाना है, सिगरेट की डिब्बी लेनी है, अपने चीनी की बोरी लेनी है, मंडू भाई लेना है। कुछ भी नहीं लेना हमने, वोट ही दया करना बस। आपने हर मेन्यू पे गर्दन ऐसे हिलाई है जैसे सारा कुछ लेना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। कुछ भी नहीं लेना, हम जाया कर देंगे। क्यों जाया क्यों करेंगे? नहीं नहीं वोट हुकूमत है ही नहीं सही, क्या करें हम बताएं। हुकूमत मैं तो यही कह रहा हूँ अगर नहीं सही तो खाएं तो सही बिरयानी खाएं। आ तो रहे हैं शुक्र अल्लाह का, अल्लाह मियां दे रहा है खा रहे हैं। आपके लिए खाबे का इंतजाम करवाते हैं, आपकी आवाज उन्होंने दियो जेड़े नाल जाते ने अगे खड़े होंगे ने सब तो पहले, वो खान खाबे असी नहीं खाबे खाते। आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं, आपको 8 फरवरी पे स्पेशल डिशें पेश की जाएंगी। जो डिशें जिन्होंने पेश करनी है सब तो पहले अगे आप ही होंगे पार्टियां। ठीक है, डिश ठीक है? हाँ जी ठीक है। चैनल पूरे आ रहे हैं? पूरे बिल्कुल। खान वाली डिश का भी ख्याल करो। खानी दे आए नहीं डिश, अपने पैसे तो खावांगे ऐसी डिश। सुना है बिरयानी बड़ी मजेदार होती है, 5 साल में एक दफा मिलनी होती है? नहीं नहीं हमें तो रोज मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से? घर से। और कहाँ से? बिरयानी का टेस्ट और है, सियासी बिरयानी और होती है। सियासी दान खाएंगे वो, सियासी दान ही खाएंगे। मैं इसीलिए आवाम से पूछ रहे हूँ कि इस बार क्या इरादा है, फिर वो रिपोर्ट उन तक पहुँचे, फिर अपनी आवाम के लिए वो चीज़ें बना के पेश करें। पार्टियाँ हैं वही खाएंगी, हम लोग नहीं खाएंगे। आप क्यों नहीं खाएंगे? आपके मुंह में कोई अल्फी डाल गया? Oh, no. अल्फी डाल गया, अल्लाह माफी दे, क्यों अल्फी डाल गया बताएं? आप क्यों नहीं खाएंगे फिर? नहीं खानी, बस वोट जाया हो जाए वो ठीक है। यार छुपके खा लेना, ना किसी को बताना। ना ना छुपके क्यों खाएं, अपने पैसे शुक्र अल्लाह का अल्लाह मियां देते हैं, पैसे हम खाते हैं। आप जिधर वोट देंगे वो वोट काम करेगा मुझे ये बताएं? देना ही नहीं तो क्यों काम करेगा बताएं ना। वोट भी जाया कर रहे हैं आप, बिरयानी की प्लेट भी जाया कर रहे हैं। हमने देना ही नहीं वोट बस। चलो चीनी की बोरी ले दूंगा। चीनी की भी नहीं चाहिए शुक्र अल्लाह का। कुछ नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है। हाँ जी सर क्या चाहिए इलेक्शन पे? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सर मुझे बताएं आपके मेन्यू का इंतजाम करते हैं? नहीं आप वोट के वाले से पूछ रहे हैं, जब का मुल्क बना है तो ये महज एक ऐसे होता है या नहीं मुझे ये बताएं। सच बोलना है आपने, इलेक्शन पे जलसों पे बिरयानियाँ देखे, जो लंगर है वो चलता है ना? इसने ही तो मुल्क को तबाह किया, आप चाहते हैं दोबारा से तबाह? नहीं ठीक हो सकता ना ये बिरयानी? आप हैप्पी हैं कि मतलब इस मुल्क को जो है और इसका बेड़ा गर्क किया जाए कि बिरयानी के ऊपर? इसीलिए तो मैं आया हूँ कि हर साल हर इलेक्शन पे चलती है, इस इलेक्शन पे भी चलेगी। एग्री कि इस बात के लिए कि मतलब बिरयानी होनी चाहिए, जब का मुल्क बना है। चेंज कर लेते हैं कोई मेन्यू, आप बताएं। ये नहीं बिल्कुल, ये चेंज होने वाला है, जब दूसरे के हाथों में हमने दे दिया मुल्क, दूसरों को दे दिया है तो तब नहीं चेंज होता, ऐसे नहीं है। लेकिन हमें ये है कि किसी एक के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए। क्या नाम है आपका? शम्सुर्रहमान। शम्सुर्रहमान जी क्या करते हो? होटल पे काम करते हो। होटल पे काम करते हो, इलेक्शन आ रहा है, वोट डाले जाएंगे जी सर, आपको सारी पार्टियां देख रही हैं, आपने इलेक्शन पे क्या खाना है, क्या खा के वोट देना है, क्या चीज़ लेके वोट देना है आप बताएं। आपकी डिमांड पहुंचाते हैं, आपने 125 लेना है, बिरयानी खानी है, चीनी की बोरी लेनी है, आपने बोंक पाए खाने हैं, क्या खाना है? सर ये हमने कुछ भी नहीं लेना, हमने वोट इमरान खान को देना। वो तो दो जिसको भी देना है, आपकी अपनी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, आपने वोट खुद देना है। खाना क्या है, क्या खा के देना है वोट? बिरयानी खानी है। स्पाइसी बिरयानी किस तरह की हो, उसमें इलायची डलवा दें आप? स्पाइसी बिरयानी खानी। साथ में रायता किस तरह का हो? Oh, no. रायता नहीं हो, सलाद हो तो ठीक, ज्यादा अच्छा रहेगा। सलाद हो, लेग पीस हो या चेस्ट पीस हो? लेग पीस हो जी सर। 5 साल फिर आपने लेग्स ही खानी है, पॉलिटिशियंस की सियासतदानों की, लेग पीस ही खा लो फिर। ठीक है। कितनी बिरयानी के डब्बे आपके कह दूं? दो डब्बे कह दें। दो डब्बे वो जिस दिन वोट डालने उसी दिन खाने या पहले भिजवा दूँ? नहीं पहले भिजवा दो, फिर वोट कैसे डालेंगे? आपका क्या पता, आप इमरान खान की बिरयानी खाएं, आप पीटीआई की बिरयानी खा के आप नून लीग को वोट दे दें, फिर कौन जिम्मेदार है? नहीं
बिरयानी जो है वो नून लीग को बोले दे दो, ऊट तो हमने इमरान खान को दे दो। बिरयानी आप पीटीआई की खा रहे हो, वोट आप फिर नून लीग को दे दोगे, ये क्या तजाद हो जाएगा? Oh, no. नहीं, बिरयानी नून लीग की खाएंगे और वोट पीटीआई को देंगे। बिरयानी नून लीग की खाएंगे, वोट उधर देंगे, फिर ये तो आपने जमीर का सौदा कर दिया ना फिर। नहीं जमीर कहने यो नून लीग वाले खाली बिरयानी बांटने फिर रहे ना, और तो उनको क्या करना नहीं आता है। नहीं वो लोग कह रहे हैं, वो पीछे लोग कह रहे हैं हम वोट भी उनको देंगे बिरयानी भी नहीं खाएंगे। आप बिरयानी उनसे खा रहे हो, वोट किसी और को दे रहे हो? नहीं वोट तो हमने पीटीआई को देने। तो फिर बिरयानी क्यों खा रहे हो उनकी? वो बिरयानी बांटने उनको शौक है बिरयानी बांटने का। हाँ जी, और क्या क्या खाना है उनसे? मैं आप ऑर्डर लगा देना, खीर खानी है, मीठे में क्या खाना है? कस्टर्ड खाना है? मीठे में चाय पियेंगे खाली बात, बिरयानी के ऊपर चाय पियेंगे। ऐसा ही बंदा सर, मुझे आप बताएं कि इलेक्शन आ रहा है, कितने डब्बे बिरयानी के खा के वोट देंगे? ये होता है जिंदा दिलाने पाकिस्तानी, मीठे मीठे पाकिस्तानी भाइयों, ये देखें पीछे कोई भी नहीं मान रहा। मैं यही तो कह रहा हूँ, 5 साल किसी ने नजर नहीं आना, वोट लेके निकल जाते हैं। आप जो बिरयानी आपके पास कोई खाने को चीज आ रही है वो तो लें, कोई भी सियासी पार्टी है जिससे भी आता है वो चीज लेनी चाहिए। और क्या क्या लेना है आपको? 125 भी करवा दें। एक 125 चीनी की बोरी, दो डब्बे बिरयानी के, कस्टर्ड और सिगरेट की डिब्बी। oh, no! वो नहीं। पान जूस हो गया। जूस के कितने डब्बे? दो डब्बे जूस के। और इसके अलावा नगद पैसे बताएं। 5,000-10,000 फी वोट कितना? 5,000। कितने वोट है? 5-6 वोट है। हमने फाइनली लास्ट पे आके पूरा ऑर्डर ले लिया है, जो मेन्यू आपको वीडियो के शुरू में हमने बताया था वो मेरे भाई ने लिखवा दिया हमें, जिस पार्टी तक ये पहुंच रहा है, जिसको इसका वोट चाहिए वो सारा मेन्यू इसको बताएं, आगे डिलीवर करें, ये उसी को वोट देंगे। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और कुछ बातें आपसे करनी चाहते हैं कि हमने लोगों से पूछा कि आप कौन सी चीज़ खाकर कौन सी चीज़ लेकर इनको वोट देंगे, इसके पीछे एक तलख हकीकत है, क्योंकि 5 साल सियासतदान किसी को नज़र नहीं आते, वोट लेके चले जाते हैं। जो इलेक्शन का दिन होता है, कंपेन के दिन होते हैं, उन दिनों में जाके सलाम भी करते हैं, आम पाकिस्तानियों से गले भी मिलते हैं और वादे भी करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, किसी का किसी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहता। इसलिए हमने एक इंटरटेनिंग वे में लोगों से पूछा कि आपने इस बार क्या खाकर क्या चीज़ लेकर वोट देना है, कि जिस दिन आपने वोट देना है उसी दिन आपका कुछ भला हो जाए, वरना आपका कभी कोई भला नहीं हो सकता। अगली वीडियो में एक और वे से आपको रिपोर्टिंग करेंगे। अल्लाह हाफिज़।